नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर नंबर थर्ड। इसमें हम जो एग्रीकल्चर रिलेटेड और जो एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज होती हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे फिशरीज हो, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में डॉक्टर वनीता जी और उनके अलावा कई और दोस्त भी मुझे यह बोल चुके थे कि उन्हें हरियाणा की करंट की और स्टैटिक की स्कीम करनी है। तो करंट और स्टैटिक की स्कीम्स को कवर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स इकोनॉमिक सर्वे रहता है। तो मैं डॉक्टर वनीता जी की डिमांड पर ये लेक्चर अभी लेकर आ रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इन हरियाणा। इंडिया का हरियाणा जो स्टेट है वो प्राइम एग्रीकल्चर स्टेट है, चाहे पैडी के फील्ड में हो चाहे वीट के फील्ड में हो, ठीक है। मेन पैडी और वीट, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल क्या रहा? ग्रीन रिवॉल्यूशन का रहा, जिसमें हाई यील्डिंग सीड्स आए, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ी और फार्मिंग को लेकर हमारे फार्मर्स में इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा दी गई। तो हरियाणा की लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35, तो 27 30 तीन तीन डिग्री का है। ऐसे ही 74 28 से लेकर 77 36। लैटिट्यूड जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जो होता है ये वर्टिकल लाइन होती है जो नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में हम कर लेंगे। अब एग्रीकल्चर की बात आई है तो दो जो वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया। नेट एरिया वो होता है जिसमें साल भर में टोटल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। और जो ग्रॉस सोन एरिया है, जैसे आप सपोज कीजिए एक ये ए फील्ड है, ठीक है, सिर्फ यही फील्ड है और इसका मैं एरिया मान लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 1 हेक्टेयर बोल लीजिए। अब ए नामक फील्ड में खरीफ के सीजन में एक फसल उगाई गई, ठीक है, खरीफ में एक फसल उगाई गई जो अभी चल रहा है। रबी के सीजन में वीट उगाया गया, खरीफ के सीजन में पैडी उगाया गया, ठीक है, पूरे 1 मीटर स्क्वायर में उगाया गया, वीट भी 1 मीटर स्क्वायर में उगाया गया। अगर हम नेट सोन एरिया की बात करेंगे तो ये एक ही बार काउंट होगा कितना एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं ग्रोस सोन एरिया। ग्रोस सोन एरिया क्या होता है कि टोटल एरिया जिसमें फसलें कुछ ना कुछ बीजी गई या उपजी गई, ठीक है। तो इसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया पैडी में उपजा गया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया वीट में, तो ग्रोस सोन एरिया हो गया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ही फील्ड एक साल में एक सीजन में कितनी बार उपजा गया, अगर इसके अलावा जैद फसलें कुछ लगाएंगे तो वो काउंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा। ग्रॉस सोन एरिया कितना था हरियाणा का 1966-67 में जमना, 45.99 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। हमारे यहाँ जो देसी भाषा है उसमें एकड़ में आप देखेंगे, बट जो गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी या स्टेट की स्कीम्स आएंगी वहां पर जो एरिया यूज होगा ना हेक्टेयर होगा, ठीक है। अब देखिए एवरेज यील्ड, यील्ड क्या होती है? एवरेज यील्ड होती है कि टोटल एरिया कितना है, ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन कितनी है हरियाणा में। अब टोटल प्रोडक्शन को टोटल एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे ना तो हमारी यील्ड आती है, यील्ड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। वीट की कितनी थी, 4687 kg/हेक्टेयर, और राइस की कितनी थी, पैडी की कितनी थी, 3334 kg/हेक्टेयर। ये इंपॉर्टेंट है ये डाटा। अभी एक स्वामित्व स्कीम स्टार्ट हुई, उसमें क्या हुआ है कि जो लाल डोरा होता है गांव में उसके अंदर जिस जिसकी प्रॉपर्टी है, जिस जिसकी मकान है, उनकी रजिस्ट्री हो पाएगी, ठीक है। तो हरियाणा में ये सबसे पहले कौन सा गांव है जिसे लाल डोरा मुक्त किया गया, सिरसी विलेज है करनाल डिस्ट्रिक्ट का, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये देखिए अब एरिया अंडर प्रिंसिपल क्रॉप्स। प्रिंसिपल क्रॉप्स होती है मेन क्रॉप्स। तो 2019-20 का ये डाटा आपको याद नहीं रखना, बस ऑर्डर देख लेना है, ठीक है। ये टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में वीट फर्स्ट रैंक, ठीक है, सेकंड पैडी, ठीक है। तो बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि वीट की ज्यादा फसल होती है हरियाणा में या पैडी की ज्यादा होती है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, आपको टोटल ये फिगर याद नहीं रखनी है, 723 लाख हेक्टेयर है या 1569 लाख हेक्टेयर है, ये याद नहीं रखना, बस सिर्फ ऑर्डर याद रख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे ना एक ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना चल रही है, ठीक है। सबसे पहले 2007 में ना एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आती है, ठीक है, ये उसी का पार्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, ठीक है।
अब 2017 में जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी उसको दोबारा से मॉडिफाइड किया जाता है और उसका नाम है RKVI रफ्तार। तो ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन। तो यहाँ क्या वर्ड आया है, रिम्यूनरेशन, मतलब हमें एग्रीकल्चर को जो हमारा और उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें दो कंपोनेंट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, एक तो जनरल कैटेगरी के लिए और दूसरा है SC/SP, मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट। ये आपको याद रखना है, इस तरह आपका नेशनल लेवल की स्कीम्स भी कवर हो गई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है, जिसमें स्टेट और यूटी मिलकर काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ और फाइनेंस भी मिलकर होता है, ठीक है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो स्कीम है, जो सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है हमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है। दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अभी क्या है, हरियाणा में मोनोकल्चर चल रहा है, खरीफ में राइस उगाएंगे और आपका रबी में वीट उगाएंगे, तो ये मोनोकल्चर ही है एक तरह, मोनोकल्चर चलता रहता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोइल की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है तो फर्टिलाइजर जो हो गया, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसका यूसेज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उससे एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, दूसरा इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और आपने सुना होगा एनवायरमेंट में एल्गे ब्लूम हो जाता है, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती चली जाती है, ठीक है, और वो पूरी नहीं हो पाती तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मर जाते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होता है, तो ये सारी इश्यूज आते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किस लिए जरूरी है, कि अल्टरनेट जो क्रॉप्स हैं उनको वो सिलेक्ट करें, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, इनकम मेंटेन रहेगी और जो हमारा फूड सिक्योरिटी का उद्देश्य है वो भी हमारा पूरा हो पाएगा। इसी के साथ हरियाणा में एक अलग से स्कीम चल रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन हरियाणा, याद रखनी है। अब चलते हैं आगे, आगे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, फसलों का बीमा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, ये LIC करती है, ये GIC करती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है जिसका प्रीमियम रबी क्रॉप में 1.5% है, खरीफ में 2% है और जो हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स हैं 5% है, ठीक है। तो ये कब से चल रही है हरियाणा में, 2016 के खरीफ सीजन से चल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ के सीजन से 2020 से ना उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, जहां स्टार किया है वो दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। एक जैसे खेत है, हम वैसे ही एग्जाम्पल लेंगे, किसान कोई फसल बो रहा है, पैडी की बो रहा है खरीफ में, रबी में वीट बो रहा है, अब वो बोता जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसके सोइल की हेल्थ क्या है, उसमें कौन सा मिनरल है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी है या कौन सा ज्यादा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अपनी सोइल की कितनी है, ठीक है, बस यूज किया जा रहा है। तो सोइल हेल्थ मैनेजमेंट या सोइल हेल्थ कार्ड क्या है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सोइल है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मेजर्स, ठीक है। तो इसमें ना सोइल हेल्थ कार्ड इश्यू किए जाते हैं फार्मर को हर 2 साल में एक बार, ये याद रखना है, वो पूछेगा एवरी ईयर, इन्हें 3 ईयर, इन्हें 2 ईयर, तो ये याद रखना है। ये स्टार कर रहा हूँ, कहाँ लॉन्च की गई थी, 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका मेन एम है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना सोइल की, तो इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में कब लागू हुई, अप्रैल 2015 से चल रही है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत 2019-20 में हरियाणा में ना पायलट प्रोजेक्ट क्या है कि एक टेस्टिंग के तौर पर छोटे से एरिया में चलाया जाता है, अगर सफल रहता है तो पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में चला दिया जाता है। क्या किया जाएगा, जो हरियाणा में ब्लॉक हैं और उन ब्लॉक्स में विलेज हैं तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा ब्लॉक लेवल पे विलेजेस, तो वहां पायलट प्रोजेक्ट अभी चलाया गया है, ठीक है, ये याद रखना, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने। अब चलते हैं आगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, ठीक है, कब आया था, 2007-08 में आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। NFSA में क्या करना है, राइट टू फूड करना है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। NFSA जो है, जो PDS मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या सिलेक्ट किया गया, राइस, व्हीट और पल्सिस। 2014-15 में कोर्स सीरियल, जैसे मेज हो गया,
मिलेट्स जो हो गई आपका बाजरा हो गया उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, याद रखना ये तीनों पॉइंट। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 वो क्या बोलता है, 75% तो रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेगा, TPDS। ठीक है, PDS आपने सुना होगा, एक FRP सुना, फेयर रिम्यूनरेटिव शॉप्स। ठीक है, FRS या FRP शॉप्स आपने सुनी होंगी, PDS जो राशन की दुकान होती है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसमें एक यूनिक पॉइंट जोड़ा गया वुमेन एम्पावरमेंट के, अगर घर में 5 मेंबर हैं और उनमें से कोई 18 साल की वुमेन है, ठीक है, और उससे ऊपर है, तो वो हेड मानी जाएगी राशन कार्ड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अंडर NFSA है। ठीक है, स्टेट में NFSM कब से चल रहा है, 2007-08 के रबी सीजन से चल रहा है, वीट और पल्सिस के लिए चल रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में ना बहुत ज्यादा डाटा दिया होगा कि वीट के लिए कहाँ पहले अप्लाई किया गया, पल्सिस के लिए कहाँ अप्लाई किया गया, फिर उसके बाद पैन हरियाणा कब कर दिया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कवर भी नहीं किया। अब आगे चलते हैं, आगे आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये इरीगेशन से रिलेटेड एक स्कीम है। ठीक है, आपने दो स्लोगन सुनोगे, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब क्या है, अभी जैसे जैसे ना ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, पानी की शॉर्टेज हो रही आ रही है, तो हम अगर एक ड्रॉप पानी की यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, हर खेत को पानी, इसका मतलब क्या है, जितने भी लोग खेती कर रहे हैं उनको ना वाटर की अवेलेबिलिटी श्योर हो, मतलब इरिगेशन हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये याद रखना है, हरियाणा में जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया जा रहा है किस किस के लिए प्रमोट किया जा रहा है, कॉटन और शुगर केन के लिए, ये आपको याद रखना है, ये आप पोज करके वीडियो ना ये देख लेना। ठीक है, क्या क्या करेंगे, एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज, रिड्यूस वाटर, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो फुहारा सिस्टम है, ठीक है, जो ड्रॉप सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम होता है, वो बूंद वाइज जैसे आपने स्ट्रॉबेरी में यूज होता है स्प्रिंकलर, जो आप अगर महेंद्रगढ़ साइड, रेवाड़ी साइड, चरखी दादरी साइड जाएंगे ना, वहां फुहारा पत्ती, उसमें 85% सब्सिडी दी जाती। अब आपको मेरे को एक क्वेश्चन ये बताना है कि ये लॉन्च कब हुई थी, 2014, 2015, 2016, 2017, और डी है एज यूजुअल, ई है नन ऑफ द अबाव, नोटा। ठीक है, अब आगे चलते। एक जैसा कि आपने सुना होगा, पैडी की जो स्टबल बर्निंग करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, दिल्ली के आसपास के एरिया में ना सर्दियों के मौसम जब शुरुआत होती है अक्टूबर में, दिवाली के आसपास ना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब उस इश्यू को टैकल करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रीजन के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेंगे, इन सीटू। आपने इन सीटू पढ़ा होगा, अगर वेदरिंग पढ़ी आपने ज्योग्राफी में, तो अपने ही प्लेस पर जहां कोई मूवमेंट ना करनी पड़े, इरोजन में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, मूवमेंट होगी, वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होती, इन सीटू होती है। ठीक है, इरोजन के लिए वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है, बट इरोजन में वेदरिंग हेल्प करती है। ठीक है, इसे ज्योग्राफी करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी जब कर लेंगे। तो ये किस किस स्टेट के लिए है, ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और NCT ऑफ दिल्ली, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जितना भी टोटली फाइनेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 50% अगर कोई फार्मर कोई मशीन खरीद रहा है उस पर करेगी सब्सिडी, 80% किसको मिलेगा, कस्टम हायरिंग सेंटर है, मतलब एक जगह ना एक सेंटर बना दिया जाएगा, यहाँ बहुत सारी मशीनें रखेंगे, किसी भी फार्मर को कोई मशीन चाहिए हो वहां से किराए पर ले सकता है। इसके लिए 80% सब्सिडी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किस किस को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, और जो अलग से पंचायत रहती है और जो फार्मर सोसाइटी उनको। ठीक है, एक पैन इंडिया के लिए स्कीम चल रही है। ठीक है, ये तो स्पेशली इन्हीं एरिया के, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लिए, एक ना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM चल रहा है, ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम जो करवाई थी उसमें सारा कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, ये डाटा है, इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये देखना कितने कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, 1070, हरियाणा को 170 लाख दिया गया है 2020-21 के लिए। अब चलते हैं आगे, आगे ये सीड से रिलेटेड ना एजेंसी है, दो एजेंसी अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये सीड्स के सर्टिफिकेशन का काम करती है, प्रमाणिकता का काम करती है। दूसरी हम पढ़ेंगे वो एजेंसी जो सीड्स को डेवलप करती है, HSDCL, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कब बना, 1974 में बना। ये हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कब बनी, 1976 में बनी, ये याद रखना है। ठीक है, पहले कॉरपोरेशन आया फिर सर्टिफिकेशन एजेंसी आई।
स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ है? करनाल ओवरसीज। समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीड की सर्टिफिकेशन, देखिए वहां टेस्ट हो रहा है सीड करनाल ओवरसीज समय, सर्टिफाई कहाँ हो रहा है? पंचकुला और रोहतक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसका एक ब्रांड नेम है बीज का, हरियाणा बीज। पूरी स्लाइड 5 स्टार है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं, आगे ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ हरियाणा के करंट अफेयर जो मंथ वाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बना? 1974 में। चेयरमैन है जगदीश नायर है। इसका काम क्या है? जो भी एल्केलाइन सोइल हो गई है, ठीक है, उसको रिक्लेम करना, और जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स में आपके फर्टिलाइजर हो गए, जिप्सम हो गए, उनको ये बेच पता है, ठीक है। जिप्सम क्यों दिया जाता है? जिप्सम इसलिए दिया जाता है, जो एल्केलाइन सोइल है ना वहां पर इसको मिलाया जाता है, ठीक है, और सल्फर की डेफिशियंसी को आपको कवर करने के लिए, ठीक है, टैकल करने के लिए दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इस लेक्चर की सारी स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर पर आ गए हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में 4.78 लाख हेक्टेयर एरिया है ना हरियाणा में कवर होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टोटल ग्रोस क्रॉप्ड एरिया का 7.27% पड़ता है, इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अब ऑर्डर मैंने लिया है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ना आपको एरिया दिया होता है कितने लाख हेक्टेयर में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ ऑर्डर। फ्रूट कल्टिवेशन में सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट, वेजिटेबल कल्टिवेशन में सबसे ज्यादा, अदर्स में सारी आ गई, ये क्यूकरबिट्स, आपको सर्च करना है क्यूकरबिट्स क्या होता है, ठीक है। स्पाइसेस कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा अदर, बट फर्स्ट रैंक अदर की हो गई, सेकंड रैंक गार्लिक की। तो आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा स्पाइस में सबसे ज्यादा हरियाणा में क्या उगाया जाता है, अदर नहीं देगा ऑप्शन में, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, फेनुग्रीक हो गया, ये सब दे देगा आपको, हल्दी, मेथी, अदरक, ये सब, लहसुन, ठीक है, गार्लिक। मेडिसिनल प्लांट्स में सबसे ज्यादा एलोवेरा उगाया जा रहा है, ठीक है। फ्लावर्स में सबसे ज्यादा मैरीगोल्ड उगा। अच्छा, अब ये बताइए हरियाणा में फ्लावर मार्केट कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है? गुड़गांव, सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद या नन ऑफ द अबाव, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे चलते, मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। मेवाड़ का जो एरिया है ना, हमारे हरियाणा का काफी बैकवर्ड एरिया है, बट उस एरिया में आप जब जाएंगे, एजुकेशन भले ही कम है बट सेक्स रेशियो ज्यादा है, ठीक है। तो 1980 में ये बनाया गया था, इसका चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, ठीक है। एक जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये झज्जर साइड में पड़ता है, साउदर्न झज्जर रेवाड़ी में, कब था? 1972 में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है न्यूज में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे या किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा, ठीक है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हिरमी कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में, यहाँ नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा अभी, रिसर्च सेंटर, ठीक है। जो वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट है कहाँ डेवलप किया जा रहा है? मोरनी हिल्स में, किसकी हेल्प से? जो स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम, भावांतर भरपाई योजना, ठीक है, पहले भी मंथली करंट अफेयर में करवा चुका हूँ। कब लॉन्च की गई थी? 31 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। मान लीजिए किसान फसल बेच रहा है, ठीक है, उसका प्राइस 100 रुपए डिक्लेयर किया गया, 90 रुपए में बिक रही है, तो 10 रुपए गैप हो गया प्राइस, तो इसको कौन कवर करेगी? गवर्नमेंट कवर करेगी, ठीक है। ये प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम है। इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है? अगर फसल खराब हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, डिजास्टर आ गई, तो उस पे प्रीमियम के हिसाब से और फसल के हिसाब से इंश्योरेंस देती है सरकार, ठीक है, ये अलग है, ये प्राइस डेफिशिएंसी है। दूसरा इसका क्या काम है? किसानों को मोटिवेट करना कि वो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनकी तरफ प्रेरित हो, ठीक है। इसी के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर स्कीम भी चल रही है, 20 क्रॉप्स है उसमें, 14-4-2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये आई गई कब से लॉन्च हुई? 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। एक क्वालिटी कंट्रोल लैब बन रही है सिरसा और करनाल में, ठीक है। सीड टेस्टिंग लैब, सीड सर्टिफिकेशन लैब, दो दो जगह वो हो गई, ठीक है, आपको याद रखनी, मैं नहीं बताऊंगा, क्वालिटी कंट्रोल लैब ये। अब आगे चलते हैं, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन न्यूज में है, नेशनल स्कीम है बट न्यूज में है, हरियाणा में भी है। हम इसको नेशनल के तरीके से, सबसे मेन बात, जो आत्मनिर्भर पैकेज जुलाई 2020 में अनाउंस किया गया था उसका पार्ट है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 3 साल के लिए रहेगा, 2020-21 से लेकर 2022-23 तक। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इन दो वजहों से है, मधु क्रांति पोर्टल, नेशनल जो बी बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली जनपद पर पड़ता है, उसने लॉन्च किया है। हनी कॉर्नर, इसे भी लॉन्च किया है,
बट इसे ऑपरेट कौन करेगा? नेफेड। नेफेड आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो मार्केटिंग का काम करती है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1958-1959 में हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी, ठीक है। देश में ना स्वीट रिवॉल्यूशन 2016 में अनाउंस की गई थी, और स्वीट रिवॉल्यूशन के अंडर में हनी मिशन अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आगे आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी से। एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ चुके हैं, अब तीसरा आगे, ठीक है। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक क्या होता है? जैसे आपने मोबाइल एम्बुलेंस सुनी होगी, वैसे ही पशुओं के लिए ना हरियाणा में नूह और भिवानी में पायलट बेसिस पर ये चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस स्कीम है, बजट में करवा चुका हूँ, ठीक है। आप ये देख लेना, जो बड़ा पशु है उसके लिए ₹100 का प्रीमियम रहेगा, और जो छोटे पशु है ना उनके लिए 25 रहेगा, ठीक है, बस ये याद रख लेना। और मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगी 38,000 से 1.25 लाख रुपए लार्ज एनिमल के लिए, और 5,000 स्मॉल जो एनिमल रहते हैं, शीप हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, ठीक है। हरियाणा में एनिमल को रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन के लिए ना एक्ट आया था, पहली बार आया है इंडिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका आधार कार्ड है या परिवार पहचान पत्र है, वैसे ही एनिमल को भी यूनिक आईडी इशू की जाती है, ठीक है। गौ अभ्यारण कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? हिसार और पानीपत में। पूरी स्लाइड इंपोर्टेंट है, सारा डाटा इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न पेट क्लिनिक्स, कुत्ते कहाँ, बिल्लियां कहाँ, ज्यादा पेट कहाँ पाले जाते हैं? गुड़गांव और फरीदाबाद में, तो वहीं खुलेंगे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट को हरियाणा सरकार मिल्च, 3 मिल्च एनिमल के लिए डायरी और पिगरी स्थापित करने के लिए ना 50% सब्सिडी दे रही है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसी तरह एक नई स्कीम चल रही है शिप और गोट को लेकर, जनरल कास्ट कास्ट हो गई, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 25% सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। देखिए फर्क समझिए, यहाँ 3 मिल्च एनिमल डायरी पिगरी शिप एससी के लिए 50% सब्सिडी, ये जनरल स्कीम है शिप और गोट के लिए 25% सब्सिडी, ठीक है। और एक जो ये पोल्ट्री आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू आ गया या H1N1 आ गया, ये सब आ जाते हैं, तो पोल्ट्री डिजीज डायग्नोस्टिक लैब कहाँ बनाई जा रही है? पंचकुला के बरवाला नामक जगह पर, इंपोर्टेंट है। गोकुल ग्राम कहाँ बनाया जाएगा? गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म में बनाया जाएगा, हिसार में। गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म को मैं जो मंथली करंट अफेयर हम हरियाणा के कर रहे हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा कंप्लीट से करवा चुका हूँ। और जो स्टेट लाइफ स्टॉक शो था कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? करनाल में ऑर्गेनाइज किया था। आगे चलते हैं। आगे फिशरीज का सेक्टर आया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको मैं 2 जगह कवर करवा चुका हूँ, हरियाणा बजट में कवर करवा चुका हूँ, हरियाणा बजट की 2 वीडियोज मैंने डाली है, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। दूसरा जो फिशरी सेक्टर की स्कीम है उसमें मैं आपको सारा ये कवर करवा चुका हूँ, ठीक है, उनको एक बार देख लेना। बस एक इंपॉर्टेंट ये पूछ लेगा एचसीएस में कि जो हरियाणा स्टेट है फिश डिजीज फ्री स्टेट किस बॉडीज ने डिक्लेयर किया है, नाम याद रख लेना, NBFGR लखनऊ, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना। अब आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट सेक्टर एग्रीकल्चर में, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें क्या हुआ, अभी कोरोना में हुआ तो मार्केट खुलती नहीं थी, इसीलिए ना डोर स्टेप डिलीवरी को प्रमोट किया गया। कहाँ कहाँ स्टार्ट की गई थी? अंबाला, कुरुक्षेत्रा, भिवानी, इंपोर्टेंट है। फोर्टिफाइड आटा 5 डिस्ट्रिक्ट में, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक एंड यमुनानगर। चलो अब मैं देखते हैं मुझे कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा, पहले फोर्टिफाइड आटा सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था और फोर्टिफाइड आटा क्या होता है। इसी तरह आपको फोर्टिफाइड राइस भी मिलेगा। ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ऊपर से इसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बॉडी आपकी आपको मिल जाएगी, ये इकोनॉमिक सर्वे से ही मैंने ली है, बट मंथली करंट अफेयर्स में कवर करवा चुका। आप देखेंगे ना थोड़े दिन अगर आप मेहनत करते हैं 2-3 महीने, उसके बाद चीजें ना रिपीट होना और इंटीग्रेट और लिंक होना शुरू हो जाती है, उतना बर्डन नहीं होता। शुरू के 3 महीने की मेहनत ज्यादा रहती है, 3 महीने जमे रहो, उसके बाद आराम से टाइम चलेगा, स्मूथ चलेगा, सब चीजें समझ में आएगी। कब बना? जब हरियाणा बना 1966 में ही बना, ठीक है। कोऑपरेटिव सप्लाई और मार्केटिंग का, ठीक है, खरीदता भी है और मार्केटिंग भी करता है, ठीक है। हैपेड के प्रोडक्ट्स, मस्टर्ड ऑयल सुना होगा आपने, जवारे बाजरे के बिस्कुट सुना होगा, ये सब आते हैं। चेयरमैन कौन है? क्लास भगत जी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैफेड की शुगर मिल कहाँ है? असंद में है, ठीक है। अभी ना हैफेड का एक मेगा फूड प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो रोहतक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडर्न ऑयल मिल बना रहा हैफेड कहाँ? रेवाड़ी में बना रहा है। हैफेड टर्मरिक प्लांट हल्दी का और कोल्ड स्टोरेज तरावड़ी, ये वही है जहां तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, करनाल में बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर रहा हूँ।
एक HSA-MB है जो मार्केट कमेटीज हुआ, अनाज मंडीज हुआ, उनको ऑपरेट करता है। कब बना था? 1 अगस्त 1969 को बना था, ठीक है। एप्पल मार्केट और वेजिटेबल मार्केट कहाँ? पिंजौर पंचकुला में एस्टेब्लिश की जा रही है। फिल्म सिटी भी पिंजौर में एस्टेब्लिश की जा रही है। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था। अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा रही है। अच्छा, अब ये बताइए यहाँ कितने रुपए में खाना मिलता है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट अटल मजदूर कैंटीन कहाँ खोली गई थी और कब खोली गई थी, वेन एंड वेयर एंड हाउ मच प्राइस, ठीक है। तो आज के लिए इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम्स यहीं पर खत्म होती हैं। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक सेक्टर की लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, याद कीजिए, क्योंकि समय अब 1 महीने से भी कम रह गया प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू।